भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जगन्नाथपुरी धाम की बोलो श्री श्री निताय गौर सुंदर की समावेद गौर भक्त वृंद की समावेद गौर भक्त वृंद की समावेद गौर भक्त वृंद की परम पूजनीय शिल प्रभुपाद जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गोर प्रेमानंदे हरे कृष्णा मैं अति प्रसन्न हूँ आप सब इतने अच्छे भक्तगण यहाँ पर मैं भूल गया इस एरिया का नाम क्या है आपके जो संघ का प्रीतम विहार प्रीतमपुरा तो प्रीतमपुरा के जो दिल्ली के जो भक्तगण है मैं सबसे पहले आप सबको मैं वंदन करता हूँ आप इतनी अच्छी जो हर शुक्रवार को मिलते हो भक्ति करते हो कीर्तन करते हैं तो इससे हम इतना तो पता चलता है कि प्रभुपाद जी की जो कृपा है महाप्रभु की वाणी के अनुसार पृथ्वी नगर आदि ग्राम सर्वत्र होर नाम प्रचार जहां भी जाए विश्व के अंदर चाहे छोटी नगरी हो बड़ी नगरी हो आप तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ वाले हो बड़ी नगरी हुई <laughs> तो यहाँ पर भी ठाकुर जी के होते हैं और प्रभुपाद जी की असीम कृपा है अभी रास्ते में जब आ रहे थे तो विभू चैतन्य प्रभु बता रहे थे कि कि पचास से ज्यादा आपके यहाँ पर भक्ति वृक्ष आदि होते हैं इस दिल्ली एरिया में देखिए इससे तो बस यही कह सकते है शिला की और प्रेमानंदी तो आज का प्रसंग क्या है मुझे बताइए उस अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सामने कोई किताब रखी है ये भजन बुक है अच्छा वैष्णो पद्यावली तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं कुछ प्रस्तुत करूं या आप किसी का कोई प्रस्ताव हो तो बताइए इतने सारे वैष्णव वाश्न, है दीक्षित वैष्णव है आप भी से कोई मुझे प्रेरणा मैं प्रेरित हूँ ऐसे में तो तो गाइडेंस तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं प्रभु लाइफ ऑफ भक्ति के जो जी महिमा है ये अपार है ये पेज खुला है तो ये विनोद ठाकुर जी का एक भजन है आप लोग शायद गाते होंगे विनोद ठाकुर जी भक्ति की जो महिमा है उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों में प्रस्तुत किया है और खास करके भजनों के माध्यम से जैसे उनकी एक उनका एक पुस्तक है शरणागति कितने लोगों ने नाम सुना है बहुत अच्छा तो मैं थोड़ा ऐसा करूंगा इंटरक्टिव बनाऊंगा यानी प्रश्न पूछेंगे और भक्तों से प्रेरणा लेंगे शरणागति का अर्थ क्या हुआ कौन बताएगा उसमें कोई परीक्षा नहीं है भैया या माता है जो भी हम सब की कुछ ना कुछ तो समझ होगी हमारे प्रभुपाद जी इतने प्रबल है तो कुछ तो प्रदान किया है हम सबको प्रेरणा है तभी तो हम यहाँ पर है वरना हम कहा से हमारा आपका संबंध क्या है वैसा देखा जाए तो परिवार से भी ज्यादा है है कि नहीं ये अगर हकीकत है तो बोलिए सब मुझे है, है कि नहीं जितने परिवार हमारे जो माता पिता भात भरात इत्यादि उससे भी ज्यादा ये दृढ़ संबंध है भक्तों का तो हम कोई कमजोर परिवार नहीं है बहुत ही प्रबल रघुपात जी की कृपा से तो शरणागति का अर्थ कौन बताएगा भक्ति की जो महिमा है वो शरणागति से शुरू होती है और शरणागति से एंड होती है और शरणागति ही बीच में है सब कुछ तो शरणागति का अर्थ कौन बताएगा बताइए प्रयास कीजिए कोई हाँ, हाँ को स्वीकार करते, करते हैं बहुत सुंदर। करते हैं। जी और हम भगवान रक्षक है भगवान हमारे पालक है जी हमें अपना के प्रति उनकी इच्छा कोई अपनी इच्छा मतलब मानना है और अभिनवता जी तो आपने कितने चार अंग बताए छह बताए चलिए दोबारा गिन लेते हैं पहला बताइए एक हो गया दूसरा दो तीसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा विनम्रता थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत 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 सुंदर माता जी आपका नाम क्या है जी मित्रविंदा मालिनी देवी से हरी बोल मित्रविंदा शायद वो द्वारका में एक रानी है कृष्ण की पटरानी है जय हो बहुत सुंदर तो ठाकुर शरणागति का अर्थ क्या है? आपने शरणागति के अंग बताए शरणागति का अर्थ कोई बताएगा भगवान का पालन कर ठीक है ये एक अच्छा वर्णन है लेकिन अगर हम शब्द को देखें मतलब जी सर्वधर्मान परि तो वो शरण है शब्द लेकिन शरणागति शरणागति का अर्थ यह हुआ संस्कृत में दो शब्दों का मिश्रण है शरण और अगति दोनों मिलके शरणागति तो हर भक्त की एक इच्छा होती है कोई भी पंथ में चले जाए कहीं भी तो भगवान का शरण लेना टेकिंग शेल्टर ऑफ गॉड सब लोग जो भी आस्था है इतना तो मानते हैं लेकिन किस तरह का शरण होना चाहिए ये हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य है वो हमें समझाते हैं शरण प्लस तथा अगति अगति मतलब कोई उसका विपरीत अर्थ ना निकाले शरण तो है शेल्टर जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज मेरी अकेले की शरण में आई है आपके जितने भी पाप है जितने भी जो रिएक्शन है प्रतिक्रिया है उसका जो है मैं विनाश कर दूंगा लेकिन शरण भी कई प्रकार के शरण होते हैं जैसे हम सब हमारे में सब में कुछ ना कुछ शरण का एक अंग है कि हम भगवान में आस्था रखते हैं विश्वास रखते हैं भक्तों में विश्वास रखते हैं लेकिन जिस तरह से भक्ति मनोहर ठाकुर जी जो वर्णन कर रहे हैं शरणागति का अगति का अर्थ कि बिल्कुल हिलना नहीं ऐसी शरण में आए हम प्रभु चट्टान की तरह चाहे आप हमें स्वीकारे ना स्वीकारे हम आपके चरणारविंद से हटने वाले नहीं है गति का मतलब मूवमेंट हिलना अगति मतलब बहुत बड़ी चट्टान या बहुत माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत उसको कितना भी धक्का मारो वो हिलने वाला नहीं है तो शरणागति का ये जो है बहुत सुंदर अर्थ है ऐसी हमारी शरण होनी चाहिए और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिष्टास्तक में भक्ति की परिकाष्ठा जो आठ श्लोक है आप में से इतने भक्त हैं जो जानते होंगे आठ के आठ श्लोक चलिए माता जी मित्रविंद माता जी प्रभु जी पीछे ये भी तो भक्ति के जो परिकाष्ठा भक्ति के जो गुणगान जो है शुद्ध भक्ति वो सारे आठ श्लोक के अंदर महाप्रभु ने कोई भी शास्त्रों की रचना नहीं करी थी क्यों नहीं करी थी कोई एक प्रश्न उठ सकता है तो कोई उसमें कोई समाधान करना चाहेगा क्यों महाप्रभु जी बताइए महाप्रभु अपने आचरण से भक्ति सिखाना चाहते हैं ठीक है लेकिन उन्होंने शास्त्र अच्छा आप कह रहे हैं कि आचरण से सिखाना चाह चा रहे थे और शास्त्र इसीलिए शास्त्र से वो अच्छा है श्रेष्ठ है कि आचरण से सिखाए चलो ये, ये भी एक अच्छा जवाब है हाँ माता जी अपने तांग तांग थी थी, तो भी तो... बहुत बढ़िया जी तो एक अच्छा मतलब जो मैंने वैष्णव से सुना है उसकी एक अच्छी अच्छा रीजन या कारण ये है कि महाप्रभु ने अपने अनुयायी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी छड़गोस्वामी गोस्वामी है और हमारे प्रभुपाद जी के ऊपर वो छोड़ दिया था क्योंकि उनका श्रेय बढ़े उनकी कीर्ति बढ़े इसीलिए उन्होंने हम हम जो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम स्वयं उनका कदा मयम ददाति स्वपदांतिकम तो उस 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 प्रणाम मंत्र में अगर देखिए कितना घुये कारण छिपा हुआ है श्री श्रीचैतन्य मनोविष्टम मन कहाँ है कोई बता सकेगा बेटा मन कहाँ होता है शरीर में any idea दिवैर, 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 दिवैर। हाँ हृदय के अंदर है मन का निवास हाँ जी हाँ कई लोग ऐसे बताते मन यहां है मन यहाँ नहीं है बुद्धि यहाँ है मन जो है हृदय के अंदर है तो श्री चैतन्य मनो अभिष्टम चैतन्य महाप्रभु की जी अंतरकरण में हृदय के अंतरकरण में बिल्कुल अंतरकरण में जो भी उनकी अभिलाषा थी उन्होंने स्थापित किया रूप गोस्वामी ने भूतले भूमंडल के अंदर इस जड़ जगत के अंदर आ करके और वो क्या था उनका जो घुहये कारण चैतन्य महाप्रभु का आने का कौन कौन बताएगा एक एक करके बताइएगा हमारा रिविजन हो जाएगा मेरा भी रिविजन हो जाएगा बताइए एक एक करके सब एक मैं एक किसी एक व्यक्ति को नहीं मैं, मैं सबको चांस मिलना चाहिए मित्रविंद्र माता जी आप बहुत उत्सुक हो मैं जानता हूं लेकिन आपका नंबर इज हरे ठीक है हा माता जी पीछे बताइए महाप्रभु के आरण का कारण क्या है ठीक है बहुत अच्छा ये उनका पहला अंतरंगत कारण दूसरा आपको लास्ट क्षमा करना दूसरों को भी चांस देना चाहिए हाँ जी प्रभु जी

कि उन्होंने चैत्र नवरात्रि में कौन सी बात कही थी 12 मिनट बोलती था उसमें 50% सच्चाई है आपके स्टेटमेंट में उसमें और फिफ्टी परसेंट बता दू। हाँ सिर्फ द्वारका नहीं उनकी जो मधुरता व्रज के अंदर और सिर्फ वो अपनी मधुरता का आस्वादन करना चाहते थे वो पूरी हकीकत नहीं है राधा रानी किस भाव से उनकी मधुरता का आस्वादन करते उस भाव से स्वादन करना चाहते जैसे हाँ जी एक उदाहरण के जैसे कि एक बच्चा होता है माँ की गोदी में तो माँ गोदी में बच्चे को खिला खेलती है उसके साथ तो बच्चा हंस पड़ता है खिलखिलाकर तो बच्चे को हंस के देख करके माँ भी बहुत खुश होती है माँ को खुश देकर बच्चा और भी खुश होता है तो परस्पर में एक खुशी की बाढ़ निकल आती है तो अगर माँ को समझना है कि बच्चा क्या फील कर रहा है तो माँ को बच्चे का भाव धारण करना पड़ेगा और अगर बच्चे को समझना है कि एग्जैक्टली exactly मेरी माँ क्या फील कर रही है तो उसको माँ का भाव जब धारण करेगा तब वो समझ पाएगा कि माँ की कितनी खुशी है और परस्पर में तो राधा रानी क्या महसूस करती है मैं इतना इतना मेरी खुद मेरी अपनी जो मधुरता है वो मैं आस्वादन करना चाहता हूं राधा रानी के दृष्टिकोण से राधा रानी के भाव से और सबसे एक बड़ा कारण है और कोई बताना चाहेगा और एक कारण है हाँ जी माता जी ठीक है वो वो एक बाह्य कारण है वो बाह्य कारण भी मतलब इतना साधारण नहीं समझना बहुत ऊंची बात है महाप्रभु आए और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने बहुत सुंदर प्रचार किया देखिए इस वृंदावन दस ठाकुर चैतन्य भागवत में जब शुरू करते हैं तो मंगलाचरण का एक श्लोक है अब सब लोग जिसको आता है तो बहुत अच्छा नहीं आता है तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिए लंबित हुजो कणकाय अवधातो संकर्तन पितरो कमलाय ताक्षो विश्वभरों द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार आजानु लंबित तो भुजो कनकाय धातो संकीर्तने पितर कमलाय राक्षो विश्वम भरो बीजो भरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करुणा अवतार देखिए गौर निताय ये दोनों आजानु जानु लंबित तो, उनके जो हाथ है वो उनके घुटनों से भी बढ़ करके इसको कहते हैं कि चिन्ह होते कुछ उसको इंग्लिश में कहते हैं फिजियोग्नमी हमारे प्रभुपाद जी के भी जो हाथ थे वो घुटनों से भी लंबे थे। तो ऐसे महापुरुषों का एक चिन्ह होता है तो जिनके हाथ उनकी बाहें घुटनों तक या घुटनों से ज्यादा लंबे होते हैं अजानु लंबी तो भुजो और कनेक आयो तो, धातु उनका जो कम्प्लेक्शन उनका जो वर्ण वो सोने जैसा है और वो कौन है दोनों एक्सटर्नल रीजन बाह्य कारण संकीर्तन ही पितर वो संकीर्तन के पिता है पितरो फाउंडर संकीर्तन कीर्तन के पितर हो अच्छा जब सन कीर्तन का नाम ले ही रहे हैं तो संकीर्तन का अर्थ क्या है Sun. बहुत एक 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 ये अर्थ ये हुआ सही है सब मिलकर के कीर्तन करें उसको सन कीर्तन कर रहे और बताइए बहुत अच्छे अच्छे घूई अर्थ है संकीर्तन वो करते हैं ना हम संर्तनिफाई ठीक है कीर्तन का मतलब ग्लोरीफाई हुआ कीर्ति गाना लेकिन संकीर्तन का अर्थ क्या वो, वो कीर्ति मिलकर के ठीक है भाँगी। भाँगी। आजी। लेकिन संकीर्तन तो कीर्तन हुआ जब कोई कहता है कि कीर्तन करे नहीं माता जी नहीं हाँ ये सही बोला आपने सम्यक रूपेणा कीता सम्यक क्या अर्थ होगा ये बताइए बहुत सुंदर सम्यक रूपे ना कीर्तन संकीर्तन तो सम्यक का अर्थ क्या हुआ सम्यक के कई अर्थ हुए कई भाव हुए एक तो पूर्ण एक तो सब मिल करके तो पूर्ण कीर्तन किसको कहते हैं हम सबसे पहले हम किस जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में जाता है तो कोई पूछ लेता है कि भाई आप क्या पढ़ाई करते हो राइट right? कॉलेज में जाता है तो भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कोई कहता है मैं आईटी का स्टूडेंट हूं कोई कहता है मैं मेडिकल स्कूल में हूं एक स्टूडेंट की पहचान होती है ना कि क्या पढ़ रहा है तो हमारी पहचान क्या है हम इस्कॉन के अनुयाई है तो हम किस स्कूल में हमने एडमिशन लिया है ठीक है वो तो हमारी संप्रदाय है लेकिन ब्रह्मपद्र गोडिय संप्रदाय की खासियत क्या है कृष्ण भावना अमृत तो सारी की सारी वैष्णव संप्रदाय में है हम कैसे कह सकते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु यानी आई है लेकिन कृष्ण भावना अमृत तो रामानुज संप्रदाय में भी है और रुद्र संप्रदाय में भी है कुमार संप्रदाय में भी है श्री वल्लभाचार्य है उनकी संप्रदाय में भी है कितने शुद्ध वैष्णव ये सब तो कृष्ण भावना अमृत तो हम कैसे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस्कॉन की प्रॉपर्टी है बहुत अच्छा आप निकट आ रही हो बहुत सुंदर व्रज प्रेम के विद्यालय में हमने प्रवेश किया है हम सब लोग ये बोलेंगे इनकी माता की जो वाणी अभी बोलिए सब व्रज प्रेम हमने प्रवेश किया है बहुत जरूरी है अगर हम हमारी आइडेंटिटी है, है। मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन उसमें और भी मैं आगे बताने वाला हूं लेकिन ये जो है उनका जवाब सबसे श्रेष्ठ अभी तक मुझे लगा है हाँ। हमें जानना चाहिए कि हम किस स्कूल में किस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है बहुत जरूरी है पहुंचे नहीं है मान लो अगर स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है डॉक्टरी पढ़ रहा है लेकिन डॉक्टर अभी बना नहीं है लेकिन कम से कम पता तो है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा मैं इस पर्टिकुलर विद्या का मैं आप सबसे निवेदन करूंगा फोन या ऐसा कुछ हो तो साइलेंट पे रख दीजिएगा त्रुटि मेरी है मैं डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता हूं थैंक यू जी मैं कहा था हाँ तो ब्रज प्रेम तो एक वैष्णव संप्रदायों में ये व्रज प्रेम तो वल्लभ संप्रदाय में भी है व्रज प्रेम तो राधा वल्लभ संप्रदाय में भी है अगर वृंदावन गए तो वृंदावन में कितने सारे वैष्णव हैं, तो व्रज प्रेम तो उनमें भी है हम ये नहीं कह सकते लेकिन महाप्रभु की जो लाइन में आया है उसका सर्वश्रेष्ठ स्कूल में हमने एडमिशन लिया है या कॉलेज में एडमिशन लिया है वो राधा दास्यम का जान लीजिए बहुत जरूरी है आ, राधा दास्यम ये सर्वश्रेष्ठ और सर्व उच्च कोटि का जो व्रज प्रेम है जदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केमो ने धरी ताम दे राधार महिमा प्रेम और सीमा जगत और जानत के तो चैतन्य महाप्रभु आए वासुघोष जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है वासुघोष ठाकुर उन्होंने बहुत सारी कविताएं और भजन में रचना में एक एक सुंदर भजन है जिसकी पहली पहला श्लोक या पहली जो चार दो चार लाइन है यदि गौर ना चैतन्य महाप्रभु ना होते तबे की हो तो तब तो हमारा क्या होता केवों ने धरी ताम दे मैं ये कैसा मेरा शरीर में धारण कर सकता मैं मर जाता शायद केमोने धरीता राधार महिमा प्रेम सीमा जगत जानत के तो महाप्रभु के आने का कारण है कृष्ण महाप्रभु बने सबसे पहले राधा जी की प्रेम की जो परिकाष्ठा है उनकी महिमा पूरे जगत को उसको उसका विज्ञापन कि ये मेरी एक ऐसी भक्त है व्रज की जिसकी महिमा अपार है वो बताने के लिए उस भाव में आए ये एक कारण दूसरा दो तो आपने बता ही दिया भक्तों ने कि अपने खुद का अपने मधुरता का आस्वादन राधा जी के भाव में और तीसरा अंतरंगत कारण ये था कि राधा जी मेरे प्रेम में कितनी बावली होती है उसका मुझे आस्वादन करना है मेरे प्रेम की जो परिकाष्ता है जिस जैसे मैंने बच्चे और मां का और माँ का उदाहरण दिया था कि अगर माँ को सच्ची में अगर समझना है हंड्रेड परसेंट शत प्रतिशत कि बच्चा क्या फील करना है तो किसी जादू की छड़ी से अगर उसमें उस बच्चे का भाव आ जाए तब वो समझ पाएगी कि बच्चा इतना खुश है तो कृष्णा को ये राधा रानी इतनी बाउली क्यों है वो क्या फील करती है जब मेरी उपस्थिति में या मेरी ना उपस्थिति में विरा में भी और, और मिलन में भी ये मुझे चखना है देखिए हमारे जितने भी संबंध है लाइफ में लाइफ में इस जीवन के अंदर जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति चाहे माता पिता के साथ संबंध हो या पत्नी के साथ या प्रेमी प्रेमिका का दोनों का एग्जैक्ट नहीं होता है कहीं ना कहीं एक का ज्यादा और एक का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता है इक्वल नहीं होता अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे चाहे दो भाई ले लो दो बहन ले लो दो मित्र ले लो दोनों का कभी इक्वल नहीं होगा एग्जैक्टली exactly इक्वल नहीं हो सकता तो जिसमें थोड़ी सी ज्यादा खुशी मिल रही है जैसे हम कभी देखते हैं ना कोई व्यक्ति हमेशा किसी को वैष्णव को भी मिलता है किसी को तो हमेशा हंसता है हमेशा खुश रहता है तो कभी कभी हमारे मन में तो देखो कितना खुश है ये व्यक्ति काश मुझे भी ऐसी खुशी मिलती सबको मिलके सब अवस्था में खुश रहे कभी उसको दुखी देखा ही नहीं है जो भी है भगवान का प्रसाद समझ के वो अपना जी, जीवन जी लेता है हर अवस्था में खुश है तो कभी हमारे मन में ऐसे भक्तों को देख करके ऐसे व्यक्ति को देख के ऐसे कभी मन में विचार आता है कि यार ऐसे गुण मेरे में क्यों नहीं आए मेरे में गुण मेरे में भी ऐसे गुण होते तो कितनी अच्छी बात होती है कि नहीं तो यही बात राधा रानी का जो भाव और जो प्रेम है मेरे प्रत्ये मैं, मैं उसको मैं समझना चाहता हूं मैं तो मैं तो मैं तो प्रेमी हूं राधा जी का और गोपियों का और व्रजवासियों का लेकिन वो क्या फील करते हैं तो फिर मुझे रोल चेंज करना पड़ेगा इसीलिए वो अंतरंगत कारण और महाप्रभु स्वयं उन्होंने 48 साल उन्होंने यहां पर लीला करी इस, इस संसार के अंदर पिछले 12 साल चौबीस साल में उन्होंने संन्यास लिया संन्यास लिया उसके बाद उन्होंने बारह साल में उस उन्होंने पर्यटन किया भारतवर्ष का और हरिनाम आजानु लंबी कबूज तो कन कनक आय उदाह तो सन कीर्तन ही पितरो सन कीर्तन से लोगों को संकीर्तन का वितरण किया और बात अधूरी रह गई संकीर्तन कीर्तन का अर्थ क्या हुआ तो सम्यक मतलब सब मिलकर ये एक अर्थ होगा सम्यक मतलब ये भी हुआ पूर्ण तो पूर्ण कीर्तन किसको कहते हैं हमारे गोड़ीय भाव में जब राधा कृष्ण और कृष्ण के पार्षद का गुणगान हो उसको पूर्ण कीर्तन कहते हैं सिर्फ कृष्ण का नहीं इसीलिए हम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यदि अगर इस हरे कृष्णा महामंत्र के ये दास अगर थोड़ा उंडा जाना चाहे तो कम से कम तीन महीने लग जाएंगे इसके ऊपर विश्लेषण करें तो लेकिन संक्षेप में कैसे ये संकीर्तन हुआ तो हरा का अर्थ क्या हुआ नहीं वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है हमारे स्कॉन में ये बहुत प्रसिद्ध एक्सप्लेनेशन और गलत नहीं है गलत नहीं है आप मुझे भी गलत मत समझना अगर यदि भी अगर राधा रानी है तो महामंत्र राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे क्यों नहीं होता इतिहादि जी, नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन अगर हरा सिर्फ राधा रानी है तो ये हमारी थोड़ी सी जब हम मेच्योर होते हैं भक्ति में जीव गोस्वामी बात, हरे हरे कृष्णा महामंत्र दीपिका में बताते हैं सनातन गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति मनोहर ठाकुर जी हरि नाम चिंतामणि इत्यादि में बताते हैं हरा का मतलब क्या दूसरा श्लोक चैतन्य शिष्टा नाम नाम अकारी बहुदा बहुत सुंदर अति प्रसन्न हूं क्योंकि आप लोग काफी अध्ययन किए हो तो अच्छा लगता है कि इसी सभा में आप सब से मिलकर कर और आपकी जो भक्ति है तो सबसे एक घूय शब्द है इस दूसरे श्लोक के अंदर नामना मकारी बहुदा नीच ये नीच शब्द है ना महाप्रभु ने चुन चुन के एक एक शब्द के अंदर बहुत घुरा रस है तो निज मतलब कौन हुआ अपने तो कृष्ण के लिए अपने कौन हुए व्रजवासी और उसके जैसे कि हमारे परिवार में कहते हैं ना ये तो हमारे अपने हैं ताऊ जी है चाचा जी है मौसा है मासी है ये अपने हैं हमारे परिवार के लेकिन उसमें भी एक इनर सर्कल होता है आ, और भी मेरी 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 बेटी है, 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 मेरा बेटा है, ये मेरी बहु है, हाँ, ये मेरी पत्नी है, तो इनर सर्कल हुआ ना, जैसे पानी के अंदर जब हम कुछ फेंकते हैं तो कितने सारे सर्कल होते हैं, तो सबसे निकट का जो सर्कल है या कोई फूल देखो तो फूल के अंदर जो सबसे बीच में होता है ना वो सबसे सुगंधित होता है उसका जो अरोमा बीच में उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम जब बायोलॉजी में करोला को क्या बोलते हैं जो अंतर भाग होता है उसको कोई यहाँ पर साइंस का टीचर है या कोई स्टूडेंट है आई थिंक करोला करोना या करोला बोलते हैं जो बीच में हाँ, आ, तो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड खुशबू होती है तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड व्रज व्रज भाव में अंदर खुशबू कहाँ पर है माधुर्य रस में तो हम हानि है चैतन्य महाप्रभु के तो हरा का अर्थ सिर्फ राधा रानी नहीं हुआ सारे व्रजवासी हुए जिन्होंने कृष्ण के मन का हरण किया है ना ही सारे जो भाव है सख्य रस में वात्सल्य रस में और माधुर्यरस में और खास करके माधुर्यरस में बहुत सारी गोपियां हैं माधुर्य रस में और गोपियों में भी कुछ विशेष गोपियां हैं और वो जो विशेष गोपियां जो है राधा रानी की बहुत जो गोपियों की भी कई प्रकार होते हैं एक तो होते हैं जो राधा रानी की सूरद गोपियां होती है जो राधा रानी से सुरुद है उनसे फ्रेंडली है दूसरी गोपियां होती है जैसे कि अ विपक्षी जो राधा रानी की विपक्ष में है तीसरी गोपियां जो होती है वो जो है स्वपक्ष गोपियां होती है चाहे कुछ भी हो जाए कृष्णा तुम बाद में राधा रानी तुम पहले राधा रानी का सुख परम सुख होता है जब ये मैंने ये पुस्तक हाथ में उठाया तो ये एक एक जो वैष्णव भजन है उसके अंदर कितना घूय रस है बहुत उमदा रस है ऊपर ऊपर से हम गा लेते हैं कभी एक एक भजन के अंदर इतना क्योंकि हमारे वैष्णव आचार्य जो है वो कौन है हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य श्री श्रीला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांश श्री ठाकुर श्री गौर किशोर बाबूजी महाराज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज श्री बलदेव विद्याभूषण श्रीला जितने भी विश्वनाथ चक्री ठाकुर बात नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य है वो कौन है बहुत सुंदर माता जी तो मंजरिया कौन है तो ठीक है पर भी हाँ जी तो आप इसको बोलते निजो सर्वशक्ति अब समझ में आई बात जब महाप्रभु कहते हैं तो जब हरा बोलते हैं या हरा मतलब हरा तो जब संबोधित करते हो तो संस्कृत में हरा बोलते हैं जैसे किसी का नाम सीता है तो उसको हम संस्कृत में सीते कहते हैं करके संबोधित करते हैं ये संस्कृत का व्याकरण है तो हरा मतलब सारी अंतरंग शक्तियां और वो भी महाप्रभु के श्रीमुख से निकला है पद, पद्म मुख से तो मतलब ये सारी सखीगण राधा रानी की स्वपक्ष और सारी मंजरीगण वो सब हरा शब्द में और राधा रानी स्वयं उसमें उपस्थित है तो जब हम हरा का प्रश्न बाद में ले लेंगे लिख लेना क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है मैं बताऊंगा मैं खुद भूल जाता हूँ तो आप लिख लीजिए क्योंकि क्या होता है फिर एक में से दूसरा तीसरे में तीसरा टॉपिक निकलता है तो मेन जो है हमारी राजधानी है ना कहीं और पटरी पे चली जाती है तो क्षमा चाहूंगा आप बहुत उत्सुक हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप थोड़े अभी आप होल्ड कीजिए आपके क्वेश्चंस लास्ट में सबको मिलेंगे सबको मिलेगा अवसर आप सबका प्रसाद हो गया है तो आपको तो कोई चिंता तो नहीं है ना समय की कोई ऐसी पाबंदी है नहीं है नहीं ना तो रस लेना चाह रहे कि नहीं व्रज का चाहे हो तो मैं कहा था मैं भूल गया ये मेरी तो सर्वशक्ति से वो निजे तो हरा में ये सारे के सारे तो जब हम हरा का उच्चारण करते हैं उसमें हमारे प्रभुपाद जी भी आ गए आप समझे हमारे जितने आचार्य हैं उनका जो नित्य गोलोक के अंदर जो स्वरूप है उनका जो भाव है वो राधा दास्य में राधा रानी के पहले है वो कृष्ण के बाद में भक्तिव ठाकुर जी के अगर आप भजन लो अब देखिए भाव पता चलता है ये भजन सुना है किसी ने देखी ते देखी ते भजन लालसा में है भक्तिव ठाकुर जी के बहुत भजन है भूलो वाक निज स्थूल शरीर नयने हेरबो व्रजपुरा शोभा नित्यचिद आनंद मोय वृषभानुपुर जनम हो कोटि का भाव है लेकिन हमें क्या है ना रुचि नहीं है हम दो चार भजन गा लेते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो और अगर वो भजन दे भी अगर हम उसका अगर उसका अगर वर्णन करें तो उसमें भी कम से कम दो तीन दिन लग जाएंगे डिटेल में चले जाए तो इतना घुहय भाव है एक एक शब्द में जितने भी पार्षदों के नाम लिए वो निज सर्वशक्ति से श्री कृष्ण ज दया करो नित्यानंद प्रभु है ना क्या है दया करो नहीं वो तो सीतापति बात में महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलो गाना करो हमी बोलो तो नित्यानंद प्रभु कौन है जो रस में अनंग मंजरी तो देखो ये निजो सर्वशक्ति हुए हुई ना महाप्रभु वाली बात तो नरोत्म दास ठाकुर कह रहे कि मैं उस कैंप का हूं अंतरंग शक्ति होगा जो राधा रानी की जो खास है उसमें तो अनंग अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है हाँ। सीतापति अद्वैता गोसाई तो अद्वैत गोसाई तत्व के बहुत बड़े आचार्य है तो उनकी कृपा से वो स्वयं महाविष्णु है तो स्वयं महा वासदेव है तो उनकी भी तो कृपा चाहिए तत्व समझने के लिए अद्वैताचार्य हाँ और उसके बाद और भी हाहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ स्वरुद दामोदर गोस्वामी कौन है ललिता सखी रूप गोस्वामी रूप मंजरी है रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है तुलसी मंजरी है या उनको रति मंजरी भी कहते हैं उनके दो तीन नाम है रूप रघुनाथ भट्टयुग ये दोनों युग भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है तो वो वो गुण मंजरी भट्टयुग श्री जीव जीव गोस्वामी कौन है विलास मंजरी प्रभु लोकनाथ उनके गुरुजी का नाम ले रहे लोकनाथ गोस्वामी कौन है मंजूला है तो ऐसे करके उनका स्मरण करते तो ये सारी की सारी की अपने जो माधुरी रस में राधा रानी की दासियां हैं सब इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर स्पेसिफिकली उनका नाम ले रहे हैं और अंत में कहते दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास सब लोग ये वजह जानते हैं ना तो यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य भी एक मंजरी है मैं भूल गया उनका नाम और वो जो है वो बहुत निकट के पार्षद थे सब और रामचंद्र जी कौन है कौन बताएगा हाँ जी लेकिन कौन है वो रामचंद्र जो है रामचंद्र कविराज कई लोग सोचते हैं कि रामचंद्र भगवान का संग मांग रहे हैं तो ये गौड़ीय भाव है रामचंद्र से भगवान का संग क्यों मांगेंगे थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूं ताकि अगली बार अगर हम ऐसे भजन का मंडन करें तो हमारा भाव गौड़ीय रहे क्योंकि तो हम मेडिकल स्कूल में है और हम सोचेंगे कि हम और कोई इंजीनियरिंग का पढ़े तो अच्छी बात है लेकिन जिस स्कूल में है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए वरना ना यहाँ के ना वहां के रहेंगे भगवत गीता में कौन सा श्लोक है अभी आप बताइए अगर आपको कोई याद आ रहा है तो श्लोक नहीं हिंड दे दू बहु शाखा ही अनंत समाध ना विधियते तो बहुत सारी शाखाएं होती है मैं सोचू मैं मास्टर्स इंजीनियरिंग में करूं मैं केमिस्ट्री में करूं फिजिक्स में करूं डॉक्टरी भी कर लूं तो कहा समाध होना भी दिए तो भक्ति भी ऐसी चीज है कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा भाई आप कौन से स्कूल में से ग्रेजुएट करोगे कौन से सब्जेक्ट में क्योंकि तो भक्ति भी बहुत बड़ी चीज है भगवान जो है राम भगवान के भी कितने अनन्य भक्त है नारायण के भक्त है कितने सारे भगवान के अवतार है अद्वेतम अच्छुतम अनादेव अनंत रूपम है कि नहीं भगवान के अनंत रूप है लेकिन मेरी रुचि कहाँ है वो तब हम हमारे कॉन्सेंट्रेट होंगे जब हम अच्छी तरह महाप्रभु को समझे हमारे घोड़े आचार्य को समझे तो भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं देखी थे देखी थे भूली वो भजन लालसा तो उन्होंने शरणागति में बहुत सारे भजन दिए जैसे छह अंग का वर्णन किया है चार चार पांच पांच छत सात भजन एक एक अंग के अंदर उन्होंने उन्होंने की रचना करी है कल्याण कल्पतरु जिसमें से हम लोग गाते हैं कौन सा भजन गोपीनाथ ममन निवेदन सुनो जानते ना वो भजन है हाँ? वो कल्याण कल्पत रूस है तो भजन लालसा ये एक सेक्शन है उनके उनके जो भावना का कि मैं किस तरह का भजन करना चाह रहा हूँ मेरी क्या अभिलाषा है यदि भी अगर हम पूछे भक्तों को भाई आपकी क्या अभिलाषा है भजन में तो हम इतना हमारा क्लियर नहीं है पिक्चर कि वो कोई गाएगा मैं अच्छा जाप करूं चलो अच्छी बात है कोई कहेगा मैं श्रीमद् भागवत अच्छी तरह पढ़ लू और मैं समझ समझ लू ठीक है वो भी अच्छी बात है लेकिन क्लियर कट मतलब श्रीमद् भागवत का लक्ष्य क्या है, है? नाम जाप करने का लक्ष्य क्या है जिसको हम क्या बोलते हैं संबंध अभिध्य और प्रयोजन संबंध किसको बैलता है ओरिजिन जो 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 स्टेज होता है जिसमें हम जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है हमारा और आपका क्या संबंध है आप वैष्णव हो आप हमारे अपने परिवार प्रभुपात जी के परिवार को तो ये हमारा संबंध है तो संबंध ठाकुर जी के साथ क्या संबंध है ये संबंध और संबंध समझने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है तो प्रोसेस क्या है भजन क्रिया भजन क्रिया जैसे वैष्णव का संग करे नाम का जाप करे भगवत गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों वैष्णव भजनों का हम जो है अध्ययन करें तो ये उसको प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलते अभिद्यय और जब प्रोसेस हमारा परफेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा प्रयोजन प्रयोजन मतलब फाइनल गोल जो है कृष्ण प्रेम अब कृष्ण प्रेम किसी को भी पूछ लो इसको में भाई आपका गोल क्या है तो बोलते कृष्ण प्रेम लेकिन कृष्ण प्रेम भी कई प्रकार के हैं अनेक प्रकार के कृष्ण प्रेम है मात्र सिर्फ कृष्ण प्रेम बोलने से नहीं चलेगा जैसे कोई बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है कि भाई आप प्राइवेट प्रैक्टिस वाले एमबीबीएस जनरल प्रैक्टिशनर बनोगे या आप ऑनकोलॉजिस्ट बनेगे कैंसर तो के स्पेशलिस्ट बनोगे या पल्मोलॉजिस्ट बनोगे स्पेशलिस्ट लंग्स के ऐसे कितने या आप कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे हार्ट के नहीं स्पेशलिस्ट।, नहीं। स्पेशलिस्ट है कि नहीं तो प्रेम जो है कृष्ण का प्रेम भी बहुत मतलब उसमें भी कई वैरायटी है तो किस तरह का प्रेम हम चाहते हैं तो इसका क्या है? पहले तो हम ज्ञान लें ले। जब कोई चीज की ज्ञान होती है ना तब हमारी जो है हमारी अभिलाषा उस दिशा में दौड़ेगी जैसे कोई इवन भौतिक चीज है भौतिक चीज में भी अगर किसी के पास एक अच्छा फोन देख ले वो अरे बढ़िया है कहां से लिया तो बताओ कौन सी दुकान से लिया या कोई अच्छा कपड़ा पहना है या माता कोई अच्छी साड़ी या ऐसे ड्रेस दे तो कहा से लिया बहुत बढ़िया है तो जब ये अंदर से अभिलाषा होती है तो हम जानकारी करते हैं और फिर उसको प्राप्त करने के प्रयास करते हैं तो यही बात भौतिक जीवन में हम जो करते हैं वही स्पिरिचुअल हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में भी अलग अलग प्रकार की लालसाएं होती है ठाकर भक्ति मनोज जी क्या कहते हैं देखी देखी दे, दे भूलि वो ये मेरी लालसा है कि कब मैं मेरे स्थूल शरीर का परिचय में भूल जाऊंगा कि मैं ये शरीर हूं दिखी देखी दे, दे भूली वो वहां कबे निज स्थूल शरीर जो मेरा स्थूल शरीर है मैं मैं इस पंच महाभूत का बना हूं फलाने देश में जन्म लिया फलाने कौम में जन्म लिया ये मेरा परिचय है कोई पूछे तो आप भाई कौन हो तो भाई मैं तो दिल्ली का निवासी हूँ पंजाबी हूँ मैं मारवाड़ी हूँ मैं गुजराती हूँ मैं बंगाली हूँ मैं अमेरिकन हूँ मैं चाइनीज हूँ इंडियन हूँ तो ये क्या हुआ ये उपाधि हुई नारद जी क्या कहते हैं सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्पर तेना ऋषिकेश सेवनम तत्भक्तिर उच्चते उच्चते सारी उपाधि है उपाधि उसको बोलते हैं जो जो शरीर के संबंधित जो हमारे हमारे जो आ, क्या कहते हैं आत्मा है उससे कोई लेना देना नहीं है उसको उपाधि कहते हैं जो बारंबार हमें उपाधि कहते हैं इसने उपाधि उसने मुसीबत खड़ी कर दी तो जब हम हमारी हम देह आत्मा बुद्धि बुद्धिपण तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और अनादिकाल से ये मुसीबत खड़ी हुई है।, है ना हम हम समझ ही नहीं सकते कि हम कौन है जाप करने के बाद पढ़ाई इतना कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन हमें अनुभूति नहीं हुई है कि हम आत्मा है सच पूछे तो है सच पूछे अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट है क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है कहावत है ना क्योंकि हमारी साधना में कहीं ना कहीं त्रुटिया है नाम अपराध और कितने सारे ना, नाना प्रकार के हमारे जो है अनर्थ है तो अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम शुद्ध भक्ति में हमें उसका आस्वादन निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव और प्रेम तो दूर की बात है आ, वो लेकिन हम सही पटरी पर है ट्रेन में बैठे बंबई सेंट्रल मुंबई से अगस्त क्रांति में तो निजाम नहीं हो जाएगी पक्की बात है कि दिल्ली पहुंचने वाली है हाँ और पटरी कितनी भी चेंज हो कुछ भी हो लेकिन आएगी तो वहीं पर दिल्ली जाकर पहुंचेगी तो ये जब तक हम डटे रहेंगे हम प्रभुपाद जी के बुक्स अच्छी तरह पढ़ेंगे वैष्णव का संग करेंगे तो हम उस पटरी पे बिल्कुल दृढ़ रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन जो कृष्ण प्रेम का तो भक्तिवीर ठाकुर जी कहते हैं देखी तो भूली वो कभ मैं कब भूल जाऊंगा मैं स्थूल शरीर हूँ मेरा जो आत्मा साक्षात कर जो मेरा जो मेरा जो स्वरूप है उसकी मुझे कब अनुभूति होगी तो भक्तिवीर ठाकुर जी ऐसी लालसा करते हैं भूली वो देखिए कितने बड़े आचार्य कौन है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन सी मंजिरी है किसी को बताया कमला मंजिरी. मंजिरी है भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर है और गौर किशोर जी है और प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा आप कौन हो तो मैं अगर बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे इफ आई टेल यू आई आई एम इन कृष्ण लीला यू विल फेंट प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बेहोश हो जाओगे तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल घु रखा तो लेकिन ये पता चलता है कि वो भी माधुरी रस के अंदर राधा रानी की सेवी का है कैसे पता चलेगा कोई पूछेगा बताइए पता हाँ जी हाँ। चाहेंगे ना रहस्य उनके प्रणाम मंत्र में तीन चार साल पहले मैंने कृष्ण बलराम मंदिर में दो तीन दिन का सेमिनार किया था प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र पर विष्णु पादाय कृष्ण प्रष्ठाए भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ये प्रणाम मंत्र किसने रचना करी है इस कौन कह हमें जानना चाहिए स्वयं प्रभुपाद जी ने हाँ जी हा माता जी प्रभुपाद जी ने स्वयं रचना करी ही वृंदावन में क्लास हो रहा था तो एक प्रसंग आया गोवर्धन लीला का प्रसंग चल रहा है पिछले दो महीने से चल रहा है कार्तिक से शुरू होकर के उसके बाद भी एक महीना ऊपर हो गया कार्तिक समाप्त हुए नहीं मतलब एक महीना हो जाएगा आठ तारीख को तो गोवर्धन का प्रसंग है तो उसमें इंद्र जो है दसवें स्कंद में अः अध्याय में जो है वो नहीं सत्यावीस में अध्याय में जो भी है प्रसंग में तो इंद्र जो है बड़े शर्मिंदा है और कृष्ण से जो सुरभि गाय के साथ जाते हैं और समाय आचना मांगते हैं ट्वेंटी सेवन है ना हाँ जी तो दसवें ग्यारह चौदहवें और पंद्रहवें श्लोक का वर्णन हुआ था एक्चुअली कल ही मैं आज आया ना वृंदावन से आ तो कल कल उसका वर्णन हो रहा था तो उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि कृष्ण कहते हैं निंद्र को कि तुम्हारी शुद्धता के लिए मैं तुम्हें दंड देता हूं या तुम्हारे से मैं जो है तुम्हारी शुद्धता के लिए तो उसमें जब अंत में प्रश्नावली का समय आया या कमेंट्स करने का तो हमें एक अच्छा भाव आया तो मैंने प्रस्तुत किया वैष्णवगंड के सामने भाव ये था कि कभी कभी जैसे ये प्रणाम मंत्र मैंने वही बोला कि कृष्ण जो है इंद्र को बोलते हैं कि तुम्हारे शुद्धता के लिए मैं तुम्हें मैं तुम दंड दे सकता हूं इसके लिए भक्त हो तुम मेरे लेकिन भक्त को भी कृष्ण दंड दे सकते हैं क्यों शुद्ध करने के लिए उसको तो प्रभुपाद जी ट्वेंटी सिक्स सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में जो सबसे पहला सेंटर हुआ था वहां पर प्रभुपाद जी सोमवार बुधवार और शुक्रवार तीन दिन गीता के क्लासेस देते थे सात से नौ ये उनका टाइम था और भगवत गीता में आप तो जानते ही हो प्रभुपात जी ने कितनी सुंदर प्रथा है पहले कीर्तन जय राधा माधव और उसके बाद प्रवचन ठीक है तो जब जय ध्वनि बुलाते थे, थे प्रभुपाद जैसे हमने भी जय ध्वनि परंपरा के अनुसार अनुगत्य होकर कर कर तो जय ओम विष्णुपाद जो बोला तो सब लोग हम लोग ने दंडवत किया है तो उसमें से एक जो था अंग्रेज सारे गोरे थे उस समय वो खड़ा रहता था ऐसे सब लोग दंडवत कर रहे हैं और वो पीछे वो खड़ा रहे तो प्रभुपा जी ने कहा उसका नाम ग्रेग था ग्रेग व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाई यू डाउन ग्रेग आपका क्या प्रॉब्लम है आप क्यों प्रणाम कर नहीं रहे हो दंडवत प्रणाम कर तो बोला स्वामी जी आई जस्ट डोंट फील लाइक बाविंग डाउन मुझे इच्छा नहीं हो रही है प्रणाम करने के लिए इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं प्रभुपा जी बोला नहीं तो, nah, तो प्रणाम करना चाहिए हाँ तुम्हारी भलाई के लिए है और जितने बार प्रणाम करेंगे आपका जो मिथ्या अहंकार है इंस्टॉलमेंट में किस्तों में खत्म हो जाएगा तो प्रभुपाद जी ने कहा तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मुझे कोई सम्मान दे मैं मैं यहाँ इतने व्यासन पे बैठा हूं और सब लोग कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा भी नहीं है कि प्रभुपात जी अपनी कीर्ति खुद अपने मुख से लिखना चाहते थे इसलिए उन्होंने प्रणाम मित्र को पूछ सकता है कि बड़ी बात है कि खुद का अपनी कीर्ति खुद अपने श्लोक लिख रहे हैं और सारे लोग दुनिया में उसकी कीर्ति गा रहे हैं ऐसा नहीं है हमारी शुद्धता के लिए क्योंकि उस समय कोई ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था जो उनकी महिमा जाने और प्रभुपाद जी की महिमा इतनी अपार है उसके लिए तो दो दिन लग जाएंगे या तीन दिन लग जाएंगे अगर वही सेमिनार अगर मुझे रिपीट करना पड़े लेकिन उसका जो सार है जो मैं जो अभी कहने वाला हूं कि कैसे वो राधा रानी की सेविका है वो उससे पता चलता है कि नमा विष्णुपाधा कृष्ण प्रेष्ठ है और वो भूतले मतलब वो कहां आए? गुलुक से आए। तो पहला संकेत ये है प्रेष्ठ क्यों है कृष्ण का कृष्ण का सबसे प्रेष्ठ व्यक्ति कौन हो सकता है जो राधा रानी को प्रसन्न करे पक्की बात है ये शास्त्रों में है? राधा रस सुधा निधि वृंदावन महिमा अमृत सुरस्वी पाठ जो स्वयं तुंग सखी है और अन्य रसिक शास्त्र रघुनाथ दास गोस्वामी के मन शिक्षा में और बहुत सारे रसिक आचार्यों की जो वाणी है वृहत भागवत अमृत में रूप गोस्वामी की बहुत सारी रसिक ग्रंथ है तो राधा रानी को जो प्रसन्न करता है उससे कृष्ण प्रसन्न अति प्रसन्न होते हैं और परस्पर में उसी भाव में जो कृष्ण को प्रसन्न करता है वो राधा रानी को प्रसन्न करता है ये भाव है तो कृष्ण प्रेष्ट इसीलिए है कि बहुत सारे गोलोक के अंदर वैकुंठ के अंदर भक्त है आप जानते ही होंगे कि भगवान की जो सृष्टि है इसमें जो भौतिक सृष्टि 25 प्रतिशत है पचहत्तर प्रतिशत चिन्मयी है तो हम लोग तो बहुत माइनॉरिटी है आप सोच सकते हो पच्चीस प्रतिशत ये संसार है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि लागू पड़ता है और ये संसार में भी हम इतने छोटे हैं कि इसका अगर वर्णन करें चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में वर्णन करते हैं कि हम तो बहुत मतलब इस जो भारत भूमि है भारतवर्ष है वो जाम्बूद्वीप में जाम्बूद्वीप बहुत छोटा एक द्वीप है इतना मतलब जैसे एक सुई की टोच है उतना जो है जो उसमें प्लक्षद्वीप कौष्ठ द्वीप इतने आधे बहुत सारे और उसके अंदर भूमंडल भूमंडल के ऊपर जो है छह स्वर्गीय लोक है सात नरकीय लोक है और हमारा सबसे छोटा भूमंडल है जो चतुर्मुखी ब्रह्मा का और जितने बड़े ब्रह्मांड इतने इतने बड़े ब्रह्मा जी चतुर्मुखी अष्टमुखी सोलामुखी इतना तो हमारा बहुत सबसे छोटा और उसमें 25 प्रतिशत पचहत्तर प्रतिशत चिन्मयी जगत है वैकुंठ है जिसमें कई प्रकार के लोक है और गोलोक जो गोलोक जो है वो सबसे श्रेष्ठ है सबसे ऊंचा उच्च कोटि का है तो मतलब वहां पर खाली नहीं है जैसे मायावादी सोचते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में लीन हो गया हम जैसे यहाँ बैठे हैं आपके साथ कथा वार्तालाप हो रही है सेवन कर रहे हैं भक्त एक दूसरे का प्रसाद का वितरण कर रहे हैं किसी को कुछ जल चाहिए तो सेवा हो रही है तो ऐसे वहां पर भी पूरा जो है वैकुंठ भरा हुआ है भक्तों से जीवों से जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं अनन्य भाव में और अनन्य रूप है जागरू जी के वहां पर सेवा चल रही है नित्य सेवा चल रही है तो मेरा मेन पॉइंट क्या था मैं कहा था माता जी वहां पर आप जरा याद रखें कृष्ण प्रेष्ठ आया तो ऐसा नहीं है कि जो वहां पर वैकुंठ या गोलोक पहुंचा है तो कितने काबिल होंगे वो भक्त लेकिन काबिलियत में भी उसमें भी ऐसे ही कुछ गिने चुने हैं जो राधा रानी और कृष्ण बोलती आप जाइए इस संसार में और आप ही कर सकते हो ये सेवा जैसे मुझे एक उदाहरण अच्छा लगता है कि अभी तो मैंने रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारी बैंकुट हॉल देखे शादी का माहौल चल रहा है दिसंबर महीने में दिल्ली में तो और, और सारे भारत में तो जब शादी का माहौल होता है जब बहुत, बहुत बड़ा उत्सव होता है घर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है कि जो उत्तरदायित्व जो सबसे हमारे निकट के होते हैं ना उनको दे देते हैं भाई तू जरा केटरिंग का सामान लेना बोला आप चिंता मत करना हो गया जब उसने आश्वासन दे दिया ये हो जाएगा इतने सारे पांच सौ हजार दो हजार लोग आते हैं शादी में तो सब के सब अपने ही तो होंगे कहीं ना कहीं मित्र फ्रेंड्स रिलेटिव लेकिन उसमें जो तो कोई गिने चुने ऐसे होते हैं चार पांच छह सात जिसको हम उत्तरदायित्व देते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो एक बार बोल दिया काम हो गया बड़े बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरु वर्ग है खास करके प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर रूप गोस्वामी छड़ गोस्वामी ये सारे के सारे कृष्ण प्रेष्ट है क्योंकि वो कार्य जो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकेगा वैकुंठ के अंदर गोलोक में भी नहीं निपुण है है हाँ, नाना शास्त्र विचार नये निपुण है हाँ, तो ये धर्म संस्थापक हो वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल तो उन भक्तों में से इतने अनंत कोटि भक्तों में से कुछ गिरे इसलिए कृष्ण प्रेष्ठ है प्रभुपाद जी और नमस्ते सरस्वती देवी हम लोग कई बार गलती कर देते सरस्वती देवी बोलते ये हमारी त्रुटि है वो सरस्वती देवी तो ज्ञान की देवी है माता है जो जो लेकिन सारस्वत है क्योंकि वो सरस्वती ठाकुर के जो है दिव्य पुत्र है जैसे कृष्ण का एक नाम है आ, वासुदेव किसके पुत्र है वसुदेव के जहां पर आ लग जाता है तो उससे व्याकरण में पता चल जाता है कि उसका पुत्र है हा? जैसे आ, सीता माता का एक नाम है जानकी जनक राजा की पुत्री को बोलते हैं जानकी ऐसे तो सारस्वती देवी तो सरस्वती ठाकुर के दिव्य पुत्र है और सरस्वती ठाकुर कौन है नयन मंजरी है और सरस्वती ठाकुर के अगर प्रणाम मंदिर में चले जाए तो विष्णु विष्णुपादाय कृष्ण परिष्ठा भूतले श्रीमद भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती नामी ने श्री वार्ष भानवी देवी दैताय कृपा अवधय सिर्फ इस शब्द के ऊपर उनका जो इनिशिएटेड नाम दीक्षित नाम क्या दिया था बहुत लंबा नाम है हाँ, आप सोचते हैं कि हमारा आपका कभी नंबर बहुत लंबा नाम है लेकिन उनका नाम दिया था श्री वार्षा भानवी देवी दैता या दास तो वार्षा भानवी देवी कौन है राधा रानी और दैता का अर्थ क्या हुआ बहुत ही जो प्रेष्ट और निकट है राधे जय जय माधव कृष्ण की बहुत प्रिय है तो वार्षावानवी देवी दैताय दास दास तो विशु नंदिनी के बहुत ही निकट के दास है जो है नयन मंजरी तो नयन मंजरी की सेवी का भी तो उसी की दासी हुई ना राधा रानी की ये लॉ ऑफ इंडक्शन है जो साइंस पढ़े हैं आप इंडक्शन से पता लगा सकते हैं कि भाई अगर ये लॉजिक है तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अगर हम देखे तो, तो इसी को संकीर्तन का एक सुंदर अर्थ में समझाना चाह रहा था कि भक्ति सिद्धांत गृपात ने कहा है कि पूर्ण कीर्तन किसका होता है गौड़ी वैष्णव लाइन में राधा कृष्ण और उनके पार्षदों का जब हम तो हरा का मतलब सारे के सारे व्रजवासी खास करके माधुरी रस के अंदर उस हरा शब्द के अंदर उपस्थित है और हाँ आपने जो पहले बताया था वो चोरी करते हैं हरण करते तो कृष्ण का मन कृष्ण का दिल कृष्ण का सर्वस्व हरण करने वाले माधुर्य रस में वो जो परिकाष्ठा है सारे रूप मंजरी से लेके राधा रानी हमारे प्रभुपाद जी से लेके सारे के सारे गोड़ी आचार्य है वो सारी की सारी राधा रानी की दासियां हैं कहीं ना कहीं वो उनको किंकरी भी बोलते हैं किंकरी का अर्थ क्या हुआ संस्कृत में गोपीनाथ मम निवेदन सुने में ये शब्द ठाकुर जी वो शब्द तुम्हारा करो आमी किंकर मतलब किम मतलब क्या और करू मतलब मैं क्या करूं उनकी इतनी अच्छी उच्च कोटि की भावना होती है एक छोटी गोपियों की जो बारह साढ़े बारह साल का उनका आयुष्य होता है आयु है उनकी नित्य तो बड़ी गोपियां जो है उनके पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं ये हो गया अब मैं क्या करूं ये हो गया मैं क्या करूं भक्त इतना उत्साह इतना उत्साह होता है ऐसा नहीं कि भाई ये इतना करना है ठीक है हो गया बैठ गए कोने में है ये देखो हम जब सेवा करते हैं ना तो सेवा का देखिए भाव कैसा होता है शुद्ध भक्ति में उसकी परिकाष्ठा सेवा करते हमारे आचार्यों ने समझाया है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं ना वो तृप्त तो होने चाहिए जो सेवा करने वाले हैं वो तृप्त तो होना हो तो वो मायने में नहीं है वन हु जो इंग्लिश में रेंडरर ऑफ द सर्विस हु इज रेंडरिंग सर्विस टू शुड बी सैटिस्फाइड तो यहाँ पर तो हमें कोई कहता है कि भाई ये कर लो हाँ प्रभु जी मेरी ये सेवा है माता जी मेरी ये सेवा है तो आप किसी और को बोलते ना अक्सर सुना है और हमें जो प्रिय सेवा है वो हम करने के लिए तैयार है लेकिन जो सेवा इसीलिए देखिए विश्वनाथ चकुरी बात का रोज मंगल आरती गाते हैं कहा, कहाँ से कहां में रस में डगर में समय कितना हो गया भैया नौ चालीस हो गए तो मैं बस पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा विश्वनाथ के हम जो आरती गाते हैं तो उसमें छठा श्लोक क्या है मित्रविंदा माता जी बताइए निकुंज युनो रतिकेली सीधे यानी तत्र अति दाक्षात अति वल्लवासिया वंदे गुरु श्री विंद कितना घूय अर्थ है इस श्लोक का जो सखिया है जो मंजिरिया है वो निकुंज में निकुंज नो रति के लिए सिद्ध है राधा कृष्ण का जो रति के लिए जो भाव है उनका जो माधुर्य रस, उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी है वो समझ लेते हैं क्या सेवा मांगना नहीं पड़ता राधा रानी को या कृष्ण को कि मुझे ये दो अपने आप पता चल जाता है कि अब मेरी राधा रानी को रुमाल चाहिए रो रही है अब कृष्ण को प्यास लगी है तो केसर वाला बढ़िया सा इलायची का उसको जो है बढ़िया सा एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको शरबत या नहीं हम लोग क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में पना हाँ पना तो मतलब व्रज में अगर गर्मी है तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा जो उसको ठंडक हो तो ये सब भाव या लिवी और वो निकुंज रति के लिए सिद्ध है सिद्धि मतलब परफेक्शन इतना वो समझ लेते हैं मांगना नहीं पड़ता या जैसे एक अच्छी पत्नी है समझ जाती है मेरे पति को ये चाहिए बोलना नहीं पड़ता है।, है है ना या पति को पत्नी के लिए कुछ अगर ऐसे मन में है तो पता चल जाता है अगर प्रेम है कुछ लेवल का तो समझ जाते बोलने की जरूरत नहीं पड़ती तो रति के लिए सिद्ध ये जितनी भी मंजरियां हैं वो वो, वो सिद्धि प्राप्त कर चुकी है राधा कृष्ण की जो श्रेष्ठ सेवा में और या अलीभी अली मतलब अलीभीर मतलब गोपिया युक्तिर अपेक्ष उसी को किंकरी कहते हैं कि क्या, क्या क्या कि मुझे युक्त कीजिए और सेवा में अपेक्षा करते हैं कि और क्या सेवा करूं और क्या सेवा करूं ये भक्त के लक्षण होते हैं प्रभुपाद जी डेढ़ घंटा सोते थे चाहे वो गोलोक में हो यहां पर हो सतत सेवा में सतत युक्ता नाम है है ना जो भक्त होता है वो तो युक्त रहता है ये एक्सपर्टिस होती है भक्ति सेवा के लिए और सेवा के माध्यम से ठाकुर जी राधा रानी की सुख के लिए और वो क्या मांगते हैं बताएं है? सबसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो कि मुझे भी जो सुख मिलता है सेवा से वो भी सुख मेरा जो है आपको लग जाए देखो कितना उच्च कोटि का भाव है भक्ति और ठाकुर के उसी भजन में कहते हैं कि वो तो फूल शरीर तो मैं भूल जाऊं लेकिन फिर मेरी इच्छा है एक... कि नहेरी वो जपुर शोभा आ, मैं अपने नयन से कब मैं वृंदावन या व्रज मंडल जो है उसकी जो असली शोभा का मैं आस्वादन कर सकूषानुपुर जन्म हो लो। और अगर मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है मेरा मंजरी देव मिला है तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे मेरा अगर जन्म हो तो मेरे वृषभानुपुर बरसाने में जन्म हो क्यों कि मेरी जो राधा रानी है सबसे छोट जब उस समय खेलती है कुदती है तो मैं उसके साथ सतत में रहू ये मेरा भाव है उसकी सेवा करूं और देखिए आगे उसकी परिकाष्ठा बोलते हैं आगे पूरे जन्म यावत विवाह राधा रानी का विवाह यावत में हुआ था अभी से तो मैं भी चाहती हूँ जब तो मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी भी शादी यावत में हो मैं राधा रानी के पीछे, पीछे 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 मैं उसका जो है परछाया बन के रहू उसकी मैं सतत सेवा करूं देखो ये भाव है इसको कहते हैं राधा दास्यम ये हमारा स्कूल है ये हमारा कॉलेज है जो गौड़ी वैष्णव का ये हमारा हमारा अस्तित्व है ये हमारी पहचान है जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तो हमें अंदर से इतनी चालीस साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं वही लेक्चर सुन रहे हैं यू आर नॉट दिस बॉडी आप ये शरीर नहीं हो आप देहात्मा अरे उससे बियॉन्ड जाना है हमें एक दूसरे को प्रेरणा देनी है एक दूसरे को प्रेरणित करके जो है बहुत अच्छी तरह हमारी साधना करें हम और साधना से हम रागणों का भक्ति में प्रवेश करें तब जाके हमें इतना प्रेरणा भक्ति अरे भजनों तो मैं, में मैंने तो ये पेज खोला तो मैंने देख लिया वाह भक्ति ठाकुर जी का वो आत्मनिवेदन से वो भजन भजन कर तो भजन का तो वर्णन करने का समय ही नहीं मिला किसी और समय अगर ठाकुर जी ने चाहा और आप भक्तों ने चाहा तो आएंगे दोबारा और अवसर मिला तो करेंगे तो कहने का मतलब है ये हमारा हमारी परिकाष्ठा है कृष्ण प्रेम में भी अनेक प्रकार के स्निग्ध स्नेह है स्नेह है राग है अनुराग है अलग अलग प्रकार मान है अलग अलग प्रकार के जो कृष्ण प्रेम है, है उसमें भी जो है भाव है अनुभाव है रस के अंदर जो सबसे ऊंचा कुंडी का भाव है वो महाभाव है और महाभाव में भी सारी गोपियों के पास जो 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 राधा रानी की सखी उनके पास महाभाव है, है लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो राधा रानी के पास है वो मदन और भाव जो कोई, की, कोई किसी भी गोपी को प्राप्त नहीं होता है तो ये कृष्ण प्रेम का थोड़ा सा छोटा सा वर्णन किया है एक दो लाइन में तो कृष्ण प्रेम हमें जानना है कि हमको क्या स्पेशलिस्ट बनना है।, है जब हम जब हम 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 जब परिपक्व हो जाएंगे हमारे भजन के अंदर तो आगे जाके क्या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है डॉक्टर में या परमोलॉजिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट बनना है क्या स्पेशलिटी चाहिए है, तो हम हम सुबल सखा या श्रीलाम सखा नहीं बन सकते हैं अगर अच्छी तरह अगर हमने महाप्रभु को समझा है हमने प्रभुपाद जी को समझा है भाव समझा है प्रभुपाद जी के एक एक भावार्थ के अंदर व्रज रस पड़ा है लेकिन हमारी आंखें और हमारे कान नहीं है हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से एक्सटर्नल मीनिंग हम जान लेते हैं जैसे महामंत्र इत्यादि का तो बहुत है तो मैं मेरा मकसद ये था कि ये देने के लिए कि हम एक दूसरे को प्रेरणित करें बात मतलब कहने का मतलब है कि हम इस कॉलेज में या इस स्कूल में हमारा दाखला हुआ है कि हमारा भाग्य हमने कैसे कैसी कृपा पाई है उसकी कोई तुलना नहीं है बाकी बाकी हम तो भगवान का कोई भी नाम ले सीता राम जापे जो भी है वैकुंठ की प्राप्ति होगी लेकिन उससे भी उच्च कोटि की प्राप्ति है जो कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि ना हम पर आए गोपिया जहां पर ये एक श्लोक जो है भगवत गीता का फेल हो जाता है कौन सा श्लोक ये था माम प्रबद्यंते है अगर राम भगवान की अगर कोई पूजा करता है या उसकी उसकी आस्था रखता है या उसमें भाव है नारायण में है और भी बहुत सारे द्वारकाधीश में है अलग अलग प्रकार के भी कृष्ण है प्रभुपाद जी ने कहा है कई लोग तो जानते ही नहीं है प्रभुपाद जी ने कहे कई प्रकार के कृष्ण है लेकिन हमारा जो है एक ही संबंध है नंद नंदन से व्रज के जो कृष्ण है गीता बोले वो द्वारकाधीश कृष्ण है तो जब हम महाप्रभु और उनके अनुयायी को जो हम, हम, हम बहुत अच्छी तरह निरीक्षण करें हम उसका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि हम किस हमारा सौभाग्य कितना उच्च कोटि का है जैसे कि आजकल हम जानते हैं ना कि मेडिकल सीट बड़ी डिफिकल्ट होती है ना मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना तो यदि मेडिकल स्कूल में मेरी वाइफ बहुत कहती है उसका एक कर, कुछ हमारे इसकॉन के भी डिवोडीज है तो वो कभी कभी बोलती है कि आई के है इंजीनियर है बहुत है तो सीट वेस्ट कर दी उन्होंने <laughs> तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब मेडिकल स्कूल में चले गए या तो अपने अच्छे मार्क्स ला करके या कैपिटेशन फी भर के माँ बाप ने लाखों रुपया करोड़ों रुपया भर करके उसको एडमिशन तो दिला दिया लेकिन उसको इंटरेस्ट है गिटार बजाने में डॉक्टर बनने में नहीं है या और कुछ सब्जेक्ट में तो वो तो मेडिकल सीट वेस्ट हो गई ना है कि नहीं तो हम हमारी जो रस का जो भाव है राधा रानी का राश्यम का जो सीट है हम उसको क्यों वेस्ट करें बहुशाखा ही अनंत समाध होना भी दे भगवान की भक्ति भी बहुशाखा की है तो भगवान स्वयं कहते हैं उसमें रहस्य छुपा हुआ है वो तो कहते हैं कि किसी एक के ऊपर जैसे हनुमान जी महाराज दास्य रस में बस यही मेरा भाव है बहुत बढ़िया तो मैं राम एक छोटी सी मैं लीला बोल करके यहीं पे मेरी वाणी को विराम कर दूंगा एक बार ऐसा हुआ द्वारकाधीश ने चाह कृष्ण ने चाह कि मेरे जितने भी भक्त है जहां जहां पर सृष्टि के अंदर सबको बुलाया जाए तो सबको निमंत्रित किया बहुत सारे भक्त आए अलग अलग कुछ नारायण के भक्त कुछ ये भक्त कुछ और, कि, कि भगवान के भी कितने अनु है तो सबके बोला कि मैं दर्शन करना चाहूंगा तो गरुड़ जी को बोला हनुमान जी को भूलना बात उनको ले आइएगा तो पहुंच गए किस पर्वत के ऊपर हनुमान जी महाराज राम नाम का जप कर रहे हैं गरुड़ जी आए हनुमान जी ने ऐसे गरुड़ जी को प्रणाम किया आंखों से क्योंकि तो गरुड़ जी भी तो भगवान के भक्त है उन्होंने लेकिन राम नाम का जप बड़े उसमें भग्न थे तो गरुड़ जी ने कहा कि आपको कृष्ण बुला रहे हैं तो उन्होंने संकेत किया ठीक है मेरा इतना राम नाम का जब जब खत्म हो जाए तो मैं तो मैं प्रतीक्षा करता हूं उनका जब खत्म ही नहीं हो रहा है चले गए वापस ऐसे दो तीन बार बोले कि ऐसा ऐसा करना उनको ऐसे बोलना कि आपके दशरथ नंदन रामचंद्र भगवान बुला रहे हैं तो चौथी बार जब पहुंचे वहां पर तो उन्होंने ये संदेश दिया कि दशरथ नंदन राम जी आपको बुला रहे हैं तो उन्होंने जय श्री राम और ऐसे उन्होंने छलांग लगाई गरुड़ जो को भी कहते हैं कि कई योजन दूर फेंक दिया अपनी पूछ की जो और वो स्वयं उड़ पड़े और चल पड़े तो कहने का मतलब ये उनका अन्य भाव है रस का लेकिन हमारा हम देखते हैं कि कई बहुत सारे उसमें पड़े रहते लेकिन इतने साल के बाद फिर हमें हमारा फोकस होना चाहिए कि हम फोकस व्रज भक्ति में और वो भी जो है महाप्रभु की लेकिन पहले हमारी जो है बुनियाद सॉलिड होनी चाहिए अच्छा जाप अच्छा की कृपा है कई बार से तो मेरी तो अपनी बुद्धि है ही नहीं तो ये जो है आज जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत किया है जो भक्ति की जो महिमा वो इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलने वाली जो महाप्रभु के लाइन में हम जो स्कूल के अंदर जो हमने जाने अनजाने में किसी वैष्णव की कृपा पिछले जन्म में हुई इस जन्म में हुई या हमारी कुछ सुकृति हुई लेकिन ऐसी ऐसी कृपा कहीं नहीं मिलने वाली ना भूतो ना भविष्य तो उसको हमें उसका पूरा उपयोग करना चाहिए मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले तो अच्छे डॉक्टर बनो फिर वो गिटार मत बजाओ किसी क्लब में जाकर के और अपनी मेडिकल सीट वेस्ट मत करो हरे कृष्णा श्री राधा प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि बोल पांचा कल्पतरुस्य पुष्पा सदुवे वचन पति तनाम पावनिर्यो वैष्णवेम्यो नमो नमो गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे श्री प्रभुपाद की गौरंग महाप्रभु की ब्रह्मवतु गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री गुरुदेव की जय हरे कृष्ण तो आ, 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 अपने पंजाबी बाग मंदिर को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कृष्ण प्रभु और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सब भक्तों के समक्ष मुझे ये अवसर दिया कल परसों भी कथा है आ, मुझे मैं प्रभु जी को बता रहा था तो अलग अलग संघ है लेकिन सुंदर कृष्ण प्रभु ने मुझे वो भेजा था आ, यदि अभी अगर कोई भक्त लाभ लेना चाहे या आशीर्वाद देना चाहे मुझे तो आपकी उपस्थिति मुझे अच्छी लगेगी अः उन्होंने मुझे डेट भेजी है एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह तो मुझे भी नहीं मालूम है कहाँ है भक्तगण बड़े दयालु है विजयनगर में कल मॉडल टाउन वो किसका संघ है प्रभु जी स्मृति करुणा माता जी अच्छा और चौथी को जो है संडे है ना चौथी वो है शालीमार बाग में वो किसका संघ है हाँ जी तो हो सकता है कि दोबारा तो, आपके दर्शन हमें आपके का मौका मिलेगा हरे कृष्णा और कुछ ऑनलाइन कनाडा से और अलग अलग जगह से ज्वाइन हुए हैं जूम पर आप सबका भी धन्यवाद आ, समय अभी कम है मतलब प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हो हाँ माता जी पूछिए हाँ जी एक मिनट हाँ नहीं लेडीज फर्स्ट हरी <laughs> बोल हाँ जी रिस्टा है मतलब बहुत प्रिय नहीं मतलब प्रिय जो जैसे जैसे के लिए सिद्ध यापेक्षित वो इतने दक्ष है अपनी सेवा में इसलिए वो बहुत प्रिय है वल्लभ और पृष्ठ सेम मत हुआ भूतले मीन्स भू पे आए ऊपर से आए तो गोलोक से आए ना वो तो वो तो नेचुरली उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जब वो माँ प्रभु के नहीं आई है राधा रानी की सेविका है तो गोलोक में ये राधा रानी तो द्वारका में तो है नहीं वैकुंठ में तो है नहीं आती है अब वो उसका तो मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा सच पूछो तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको यूज कर लेते हैं तो जो हाँ जब तक वो प्रभुपाद जी के दृढ़ अनुयायी है तो वो कृष्ण और राधा रानी के भी है तो उसका अर्थ ये हुआ जैसे कि बेटा बेटी प्रश्न है माता पिता के लेकिन नाना नानी और दादा दादी के और भी प्रश्न हुए हुए नहीं हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो, तो कोई भी हम भी कृष्ण राधा रानी के अति पृष्ठ होंगे जब हम प्रभुपाद जी को बढ़िया तरह से हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हैं। ना भूतो ना भविष्य ऐसे आचार्य मिलना बहुत कह सकते इतना इतना मतलब कितनी असीम कृपा रही है राधा रानी की कि उन्होंने भेजा है उनको यहाँ पर तो जो कोई भी प्रभुपाद जी का प्रश्न है तो वो कृष्ण के अंतर्गत हो गए निज सर्वशक्ति हो गए उनके अंतरंगत में अरे ये आपके अरे आ जाओ भाई बाहर क्यों खड़े हो आ जाओ बैठो यहाँ नहीं बोलते हैं। हैं। आजी हम है आज ही हम ये प्रभु जी के घर पे जहां मैं रहता हूँ मैं कभी कभी नाम बहुत भूल जाता हूँ बुढ़ापा भी धीरे धीरे आ रहा है महावीर है प्रभु जी तो मैंने हमारे कनाडा से डिवोटी आए हुए हैं दिल्ली में ही उन, उनका उनका भाई भी यहाँ रहता है तो उन्होंने संपर्क किया था मुझसे तो उनसे मैंने बोला कि मैं ये महावीर प्रभु है मतलब वीडियो कॉल हुआ था तो वो कह रहे कि कल मैं मिलूंगा आपसे तो तुरंत महावीर प्रभु ने कह दिया प्रभु जी उनको घर पे बुलाइए प्रसाद के लिए आपके हमारे हो गए आपके जो भी है ये जो जो उनके, उनके जो शब्द थे तो यही बात हुई वो भी प्रेस्ट है जब तक वो प्रभुपाद जी को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो वो भी वो सिर्फ वो नहीं आज के वर्तमान के जो गुरु है वो नहीं हम भी और हमारे आगे जाकर के जो अगली वाली पीढ़ी आएगी वो भी वो भी प्रेष्ट अति प्रेष्ट होंगे तो नहीं। 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 वो जो लाइन है वो तो कॉमन लाइन है जैसे हम वंदे गुरु श्री रविंद्र हम गाते हैं तो सारे गुरुओं के लिए वो वो गुरु हो मतलब वो बहुवचन है एक गुरु का नहीं है कई लोग वहां पर भी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंद विश्वनाथ चक्री बात में गुरु हो जैसे वंदे हम श्री गुरु नहीं है वंदे हम श्री गुरु तो हमारी जो संप्रदाय है हमारे सिर्फ एक गुरु नहीं है ये हमारी बहुत बड़ी त्रुटि है हम गुरु भाई गुरु भाई गुरु बहन करते हैं ये थोड़ा सा निम्न भाव हुआ वैष्णव में सारा परिवार है जैसे हम जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करू मैंने उसमें रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र दो जो 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 ठाकुर थे वो कवि राज्य थे वो तो वो उनके जो गंगा नारायण चक्रवर्ती के उनके भी डिसाइपल थे और श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल उसी लाइन में थे तो वो तो उनसे जैसे हमारे हम प्रभुपाद जी के दूसरी पीढ़ी हुई तो उनकी भी है दूसरी पीढ़ी लेकिन फिर भी उस वैष्णव का इतना संग मांगते हैं मैं उनको इतना उनका विरोह में सहन नहीं कर सकता हूं इसीलिए लास्ट में कहते रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास तो ये भाव और श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित वो तीनों ने अलग अलग, अलग गुरुओं से दीक्षा ली थी दीक्षा गुरु लेकिन उन्होंने सेवा कुछ में जीव गोस्वामी के के, नीचे उन्होंने शिक्षा पाई थी तो शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी है तो कितना अच्छा बॉन्डिंग था तो हमें हम जब तो हम थोड़ा सा कनिष्ठ विचार के हो जाते हैं जब हम ऐसी क्रुपिज्म करते हैं कभी नहीं करना चाहिए जितने भी गुरु है वो हमारे गुरु है जितने भी सीनियर वैष्णव है हमारे शिक्षा गुरु है ये मान के चलना चाहिए पक्षपात नहीं करना चाहिए वरना हम निम्न निम्न हमारी हमारी सोच हमारी चेतना रह जाएगी हमारे किशोर बाबा जी महाराज के गुरु जी कौन है उनके शिक्षा गुरु है वो भक्तिनाथ ठाकुर जी के गुरु जी कौन है शिक्षा गुरु है दीक्षा गुरु तो उन्होंने बिपिन बिहारी गोस्वामी से ली थी तो देखिए लेकिन फोटो और हम वंदन किसको करते हैं शिक्षा गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है ये हम महिमा भूल जाते हैं कई बार हम सेल्समैनशिप कर देते हैं हकीकत है मंदिर के अंदर कोई आता है पकड़ के जैसे सेल्समैन बोलता है ना घिरा गा गया तो हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो हमारे गुरु जी से ले लो अरे भाई सांस लेने दो किसको जिसका जहां पर भाव है उसको जहां पर जहां अट्रैक्शन है वहां उसको जाने दो है तो हम सब प्रभुपाद जी के अनुयायी महाप्रभु क्या नहीं आई तो ये जो है ना ये मेच्योरिटी है भक्ति की जब कृष्णा कभी हमें भक्ति के लिए फोर्स नहीं करते हैं हमारे अनुस्वतंत्र तो हम कौन है किसी को फोर्स करने के लिए ऐसे कितने किस्से सुने हैं कई भक्तों को लेटर नहीं दिया जाता है कि हमारे गुरु जी से नहीं ले रहे जाओ और कहीं से ले रहे तो उसको बहुत पिटाते हैं सालों तक लेटर नहीं देते ऐसे हमने हमने तो देखा है किसी का नाम नहीं लेना है लेकिन ये बहुत मतलब मतलब वो वैष्णव भी कनिष्ठ है मध्यम है और उत्तम है और उसमें भी और तीन श्रेणी है कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम तो अभी हमें डिसाइड करना है हमें क्या हमारा हमारा गोल क्या हमारा लक्ष्य क्या है कनिष्ठ ही नहीं कनिष्ठ ही रहना है या कहीं ना कहीं हमें उत्तम बनना है तो जब उत्तम बनना है तो फिर हमें सब मिल करके गुरु जी आते हैं तो सब लोग अच्छे अच्छे और पत्ती से दिखाते हैं और आप गुरु जी निकल जाते हैं तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते उनके सामने हम ड्रामाबाजी बहुत करते हैं क्यों करते हैं ऐसा तो ये तो ये तो कूटनीति हुई ये तो एक तरह का ये, ये क्या बोलते हैं अनर्थ है हिपोक्रेसी हुई कूटनीति नहीं होना चाहिए सरल सभा होना चाहिए सारे के सारे जितने भी वैष्णव है अरे हरि का नाम ले महाप्रभु ने कहा कि जो भी हरे कृष्ण नाम लो वो वैष्णव उनकी ये कब हमारे में ऐसी वृत्ति आएगी ऐसा भाव कब आएगा कि सब में हम अच्छा ही कम से कम महामंत्र का जाप कर रहा है सत्संग में आता है कितना अच्छा है ये भक्त लेकिन हमारे में ही आदत है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मक्खी होती है वो गार्बेज पे ही बैठती है कूड़े पे ही और मधुमक्खी होती है वो मधु ढूंढती है तो हमें मधु ढूंढना है सब में हरे कृष्णा यस प्रभु जी आपका क्वेश्चन था बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका बहुत ही मधुर कथा और जय गुरुदेव जय श्री श्रभुपा अभी तो लगना चलते ही रहे तो पता ही नहीं चला <laughs> तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बहुत गहराई में शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है पढ़ने के के लिए और यदि आप कुछ टिप्स भी देना चाहें हम सब कैसे सच पूछे मोटिवेशन में हरिनाम ये हरिनाम इतना प्रबल है वो खुद हमें मोटिवेशन देता है कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आता है लेकिन जब हरिनाम अच्छा करे तो अपने आप चैत्य गुरु कृष्ण समझा देते हैं और कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी के बुक्स में उसका आंसर भी मिल जाता है कभी कभी मन के अंदर ऐसे विचार आते तो हमें जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक हम उसको काल्पनिक कह सकते हैं या भावुक तो सबसे पहले मैं अपने आप को कह रहा हूं बाद में सब आप वैष्णव आप गणों को अच्छा हरिणा प्रभुपाप ने कहा है, कितनी कम से कम माला करनी चाहिए गलत सिक्सटीन गुड राउंड सोलह अच्छी माला है देखिए एक एक शब्द में कितना भारी अर्थ है सिक्सटीन गुड मिनिमम 16 गुड राउंड बाकी बोनस कर लो और जैसे हरिनाम में हम प्रवेश करेंगे हरिनाम क्या है नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध मुक्तो अभिन्न न नामिनो ये साक्षात कृष्ण नाम चिंतामणि चिंतामणि का क्या अर्थ हुआ जो भी आप चिंतन करोगे वो आप प्राप्त कर सकते हो और चिंतामणि का एक अर्थ ये भी हो जुल जैसे कोई मणि होता है जैसे चिंतामणि टचस्टोन तो मतलब में जो भी आप विचार करो उसको सोना बना देता है जैसे कितना भी वो घटिया हो लोहा होता है ना सूरदास जी एक भजन में कहते हैं कि प्रभु मेरे अवगुण मेरे अवगुण को चित्त ना धरो एक लोहा बधिक घर एक लोहा पूजा घर में आ, पारस आ, पारस भेद नहीं करता है मतलब उसका मैं शब्द भूल गया जैसे वो जिसको टच कर दिया बधिक मतलब जो गुचर कसाई है तो उसका जो लोहे का जो छुरा है उसको भी पारस पारस टच किया तो वो भी सोना बन जाएगा और जो लोहे की थाली है पूजा घर में रखी है उसको भी पारस मनिंद्र टच कर दो तो वो भी सोना हो जाएगा तो प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना करो सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है बहुत साल हुए भूल गया मैं उसके बाकी के शब्द बहुत, बहुत बहुत अच्छा भाव है तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना चिंतामणि है इसको अगर अच्छी तरह क्योंकि इसको हम समझे और प्रयास करें कि ये साक्षात कृष्ण के साथ कृष्ण मात्र कृष्ण नहीं हरा सारे के सारे आचार्य सारी की सारी राधा रानी की सखिया और स्वयं कृष्ण नंदन, नंदन पूरा जो है यहां पर है इस व्रज इस हरि नाम के अंदर उनका संग कर रहा हूं ऐसे भावना अगर नहीं है तो उससे प्रार्थना करे कि हे हरि नाम प्रभु मुझे ये थोड़ी सी अनुभूति दे दे धीरे धीरे तो सही लेकिन दे दीजिए ये कोई साधारण वस्तु नहीं है ये एक्चुअली चिंतामणि जो है साक्षात कृष्ण है अभिन्नव नाम नाम नित्य शुद्ध हमें शुद्ध करता और मुक्त मुक्त का अर्थ यह हुआ कि हम ये देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए और हमारी जितनी भी भौतिक आसक्ति है उससे मुक्त हो जाए यह असली मुक्ति है वैष्णव मुक्ति तो इसी से प्रेरणा मिलती है प्रभु जी कभी कभी तो मैं आ, मुझे पूछ रहे थे माता जी पूछ रही थी आ, शायद वो कहाँ गई हाँ कि आप कुछ नोट्स बोर्ड्स कुछ करते हो कैसे लेक्चर्स में कुछ मैं जनरली नहीं मैं नोट्स बोर्ड्स कुछ नहीं जो इतने साल से पढ़ा है करा है वो ही मुख से निकल जाता है अंदर से थोड़ा बहुत इस दास जो भी याद याद आता है और उसकी थोड़ी बहुत जो भी अनुभूति उस हिसाब से तो ये भाव से कई लोग हम लोग जो ना भटक जाते हैं एकेडमिक में ये कोर्स कर लिया वो कोर्स कर, अच्छी बात है करो लेकिन भक्ति भाव से करना कोर्स के भाव से मत करना जैसे बोलते हैं ना अब खत्म हो गया दसवीं खत्म हो गई बारहवीं खत्म हो गई डिग्री ले ली नंबर लेने हैं बस एक डिग्री लेनी है वॉल पे वो चिपकाना है भक्ति शास्त्री वी भक्ति वैभव हाँ तो उसका मतलब मेरा जो अपना जो निजी जो अभिप्राय है उसमें आप शायद ज्ञानी बन सकते हो लेकिन भक्ति का भाव नहीं आएगा अगर उस बात क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं ये यथा माम प्रबंधे तो अगर हम इसको शास्त्र को स्कॉलरली एटीट्यूड से यानी एक हिंदी में क्या शब्द उचित शब्द होगा बुद्धिजीवी <laughs> ये या एक, एक पंडित बनना है विद्वान बनना है तो उस उस तरह से अगर तो ये तो चिंता है शास्त्र तो आपकी जो इच्छा है वो दे देगा विद्वान बना देंगे आपको लोग वाह वाह कहेंगे सर्टिफिकेट देंगे अरे वाह 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 लेकिन अंदर से भक्ति है गलत गलतारे वदन गदगद रूढ़े आगिरा कुलकी निचितम बबू कदा तब तो नाम गृहेश भविष्य हो रहा है आंसू निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं हम रो रहे अंदु तनुजा किम करो पतिता महम विषमे भावाम बुधो रोना आ रहा है यहां पर तो इसीलिए तो आसक्ति है इतनी है इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं कि कीर्तन या सदा कौन कर सकता है उसका जवाब दिया है तीसरे श्लोक में जो त्रिनादअप सुनिचेना है तरो तरोना तो बोलते हैं ये भी कैसे कर सकते हैं तो उसका जवाब चौदह श्लोक में क्योंकि तो हम आ सकते हैं धर्म जन्म सुंदरिम से और उसको भी कैसे हम उसको निपट ले तो फिर एक ही जवाब है कृपा नंद तलुजो हे कृष्ण आप कृपा करोगे तब ये मेरी धनम जन्म जन्म सुंदरिम यह सब मेरी आसक्ति अपने 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 बलबूते पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा इसलिए ऐ नंद तलुजो ऐ मतलब रोना जैसे रास्ते में आ रहे थे तो कैसे कुछ भिखारियां होते तो मांग मांगते बहुत याचना करते बाबू दे दो दे दो दे दो बाबू कुछ दे दो दे दो हमारे में ये भाव है भिखारी का ऐ नंद तनुज मतलब अंदर से रोना जैसे कोई भिखारी मांग रहा है ना बाबू दे दो ना भक्ति वैभव ले लिया भक्ति शास्त्री कर लिया सात सौ श्लोक पढ़ लिए भगत हमारे तो एक शिकागो में मैं पहले रहता था बोलते हमने तो आठ बार भगवत बोला पुष्पक विमान आएगा आपको कॉन्ग्रेचुलेश भगवत गीता हम वितरण करते हैं अभी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना है तो ये हमें एक दूसरे को क्या प्रेरित करता है भगवत गीता में क्या है उसका सार क्या है पहले हम जाने फिर दूसरों को वितरण करें वरना तो सेल्समैनशिप हो गई किसी गुरु या प्रेसिडेंट को प्लीज करने के लिए प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है भागवत के कई जगह पर एवरीबडी शुड रीड माई बुक्स एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूट कितने लेक्चरों में प्रभुपाद जी ने कहा है विदेश में तो जाते हैं तो पब्लिक को गुमराह करने वाली वजह से तो बुक नहीं होगा तो लोग तो गोरा तो समझता है कि अंदर यो आसन होंगे तो ढूंढता है कहा है पिक्चर ये योगासन का न? है भक्ति योग लेकिन प्रस्तुत करोगे ये सुप्रीम पर्सनैलिटी प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा गुमराह नहीं किया उन्नीस में छब्बीस ट्वेंटी सिक्स सेकेंड एवेन्यू में जब वकील आया गोल्डस्टीन वो मेरे ख्याल में एलन गिंसबर्ग वो एक बहुत बड़ा कवि था और बहुत सारे लोग उस समय जमा हुए थे तो उन्होंने सजेशन दिया प्रस्ताव दिया कि अभी आप इतना अच्छा कर रहे हो तो एक संस्था बना लो स्वामी जी वकील बोला मैं बना दूंगा चैरिटेबल हाँ ट्रस्ट तो क्या नाम देंगे तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला वी विल कॉल दिस द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो कुछ लोगों ने उस सभा में कहा कि स्वामी जी एक प्रस्ताव यह है कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं कहते है? तो प्रभुपाद जी तुरंत बोले नो कृष्णा इज गॉड गॉड इज कृष्णा तो ये हमारे में क्यों ऐसी वो नहीं है जाते हैं तो हम घमरा क्यों कर रहे हैं लोगों को अरे वो नहीं लेने वाला है नहीं लेने वाला है लेकिन जब हमारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे बड़ी ये खूबी होनी चाहिए कि जब मैं किसी के पास जाता हूं या कथाकार की या कोई भी मैं सामने वाले को कुछ में बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ में अच्छी चीज देना चाह रहा हूं जब उस भावना से जाएंगे तो उसके हृदय में परमात्मा है हमारे हृदय में परमात्मा है वो हमारे से भागेगा नहीं उसके हम मित्र बनेंगे

उनके पीछे उनका एग्जाम्पल लेके चलना चाहिए चलो ठीक है हमारे में करुणा नहीं है लेकिन कम से कम ऐसी भावना आनी चाहिए हर जो भी बुक लिस्ट में ये मन में आना चाहिए कि ये तुम्हारे सच्ची में काम का जैसे नित्यानंद प्रभु गिड़ गिड़ाते अरे भाई एक बार हरि का नाम ले लो ये तुम्हारे काम की चीज है मैं तुम मैं बिक जाऊंगा मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा आप एक बार हरि का नाम ले लो देखिए ये भावना भक्ति की किसी को वो छोड़ते नहीं थे वो बंगाल के अंदर कैसी भावना तीव्र भावना तो हम अभी नहीं पहुंचे वहां लेकिन कम से कम हम ऐसी उपेक्षा ऐसी लालसा कर सकते हैं और जब ऐसे भाव आएगा तो कृष्ण हमें हृदय के अंदर बैठे वो मदद करेंगे एक स्टेप लेंगे कहते तो कृष्ण हजार स्टेप आगे लेता है तो लेक्चरों का मेरा जहां तक मेरा अपना अनुभव है प्रभुपाद जी को एक सर्वश्रेष्ठ माने और प्रभुपाद जी हमें स्वयं गाइड करेंगे कई चीजें नहीं एक बार पढ़ लिया दो बार पढ़ लिया लेकिन कई बार क्या होता है नव रस मिलता है उसी चीज को पढ़ो दस साल पहले एक श्लोक पढ़ा और अभी पढ़ रहे हैं उनकी कृपा से तो कितना नवल रस मिल रहा है अरे अद्भुत है और आगे जाके देखेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अगर किसी ने अध्ययन अगर किया है शास्त्रों का तो यही चीज तो यही हमारे आचार्य कोई भी आचार्य जो है विपरीत नहीं बोलेगा उनका भाव और उनका मैसेज सेम होगा और खास करके गौड़े वैष्णव में तो वही बात है गिटार बजाने कोई नहीं बैठेगा पूरा अपना लक्ष्य है स्पेशलिस्ट बनने का राधा दासियम का तो ये प्रेरणा मेरी यही है प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़े मैंने पहले बहुत पढ़ी थी अब समय नहीं मिल रहा है अभी तो कथा ही कर रहा हूं तो उसी में मेरा रिविजन हो जाता है ये तो कृपा और एक बात है भावना ये होनी चाहिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बहुत बार कह चुके हैं कि हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि जब आप प्रचार करते हो कम से कम दो लोगों को पहले अपने आप को और फिर दूसरा जो बैठा है उसको तो ये भावना होनी चाहिए जब मैं व्यास गादी पे बैठता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये तो मेरा रिविजन होने का टाइम आ गया है बाकी सब श्रेष्ठ है और मैं जो है बस यही कोशिश में हूं तो ये भावना होनी चाहिए हमारी हमेशा कृपा बनी रहे कि मेरे में कभी गर्व ना आए कभी मेरे में अहंकार ना आए मैं कभी कभी उत्साह अच्छी बात है लेकिन उत्साह में कभी आ, इतना भी उत्साह नहीं दिखाना चाहिए जैसे एक बंदर होता है जो राजा के साथ घूमता था फिरता था उठता था बैठता था तो एक बार राजा के सिंहासन में बाजु में बैठा था एक मक्खी नाक पे देखी तो उसने तुरंत तलवार निकाली और बोले कि ये मेरे राजा क्यों क्यों नाक के ऊपर बैठा तू कैसे मार डालूंगा और उसने तलवार मेन से निकाली और घुमाई मक्खी तो उड़ गई राजा का नाक कट गया तो ऐसी सेवा का क्या भाव भावना तो उसकी सेवा की थी लेकिन अगर वो बिल्कुल क्या कहते हैं राजसिक या तामसिक विचारों वाली सेवा होती है तो वो सेवा फिर वो एक बाधा बन जाती है तो प्रभुपाद जी को अगर हमें गर्व देना है तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना है उनके मित्र बनिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो है मैराथन चल रहा है तो मैराथन सिर्फ वैसा नहीं है कि मैंने सौ गीता दी और सौ अनाउंसमेंट में आ जाएगा कि फलाने फलाने प्रभु जी ने सौ की वाह 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 हरिंग हमारा पुरस्कार नहीं है सच्चा पुरस्कार तो है जब हम पढ़े और दूसरों को वितरण करें हा भावना होनी चाहिए कि मैं आपका मित्र हूं मैं सच्ची में आपको ऐसी चीज देना चाह रहा हूं जब उस भावना से हम कोई भी चीज या कीर्तन कथा या बुक ग्रंथ दे तो हमें निश्चित विदाउट एनी डाउट सक्सेस मिलेगा प्रभुपाद जी का तो यही भाव था उन सत्तर वर्ष की आयु आयुष्य में निकल पड़े हम लोग तो चाहते हैं कि वृंदावन कब जाके हम वहीं पे डेरा लगाए अंत काल तक है, सब कुछ हमारी जितनी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सब जल्दी से निपट ले। है, लेकिन वो वृंदावन छोड़ के हमारे पास आए क्यों आए है ये भाव नहीं ये ये सबको जरूरी है कृष्ण भावना अमृत इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज टेक इट ये प्रभु जी आई होप कि मैं आपके नो मैं आपका जवाब मैं दे पाया नहीं दे पाया बगैर जितना भी मेरे मन में था वो मैंने कह दिया आपको कल एक हमारे यही विराम दे दो अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो कल प्रभु जी अटक गए परसों भागवत का क्लास दे रहे थे और कंप्यूटर रखा है एप्पल का आईपैड रखा है दो दिन पता नहीं और कोई बुक्स लेकर आए थे और भागवत जी भी पढ़ा है तो सोच रहे ये श्लोक ये श्लोक कहाँ है कहा है उन्होंने दस मिनट निकाल दिए श्लोक ढूंढने में तो प्रेसिडेंट साहब बोले भाई आपकी जो भी अनुभूति है उसी से बोल दीजिए छोड़ दीजिए वो श्लोक नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं स्पीक आउट ऑफ योर रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है और रियलाइजेशन तब मिलता है जब वो अच्छा हरिनाम करे हरिनाम जो है ना वो साक्षात हरा प्रभुपाद जी है उस हरिनाम में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी है सारे आचार्य हैं राधा रानी तो है ही तो जब उनका आश्रय ले विश्वास करे तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा और हमारे अंदर वो वृत्ति क्या है कि हाँ मैं कथा दूंगा तो मेरी वाहवा होगी मैं पंडित बनूंगा अगर उस भाव से करेंगे तो कहीं ना कहीं गिरेंगे हम कभी ना कभी कृष्णा वो भी इच्छा कभी कभी पूर्ण कर देते हैं लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है क्योंकि हम क्या है दास है दासी है तो अगर वो दासत्व चला गया और हम प्रभुत्व आ जाएगा कि सब मेरी सेवा करेंगे मैं अच्छा इतना पंडित हूँ जैसे केशव कश्मीरी तो फिर क्या हुआ है ना तो फिर वो तो विपरीत हो गया दास की जगह हम हम दास बनने गए तो जो भी जो भी हम कार्य करे भक्ति में दास बन करके करे आज ये दास आपकी सेवा करने आया है और यही मेरा भाव है हरे कृष्णा हाँ जी विपक्षी विपक्षी सुरुत तटस्थ विपक्षी, विपक्षी और स्वपक्षी हाँ स्वपक्ष का गोभी का एक उदाहरण ये है कि तूने मेरी राधा रानी को रुलाया आने वाला था तू श्याम सुंदर दो घंटे से द्वारा निकुंज में इंतजार कर रही है और तो अभी तक नहीं रो रही है तो राधा तो तू तो जा यहां से इतना उसको भी धमका देते हैं राधा रानी पहले वो स्वपक्षी सूरद गोपी क्या होती है कि वो राधा रानी से सूरुद है अगर वो दुखी है तो वो है लेकिन वो 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 इतना उनको वो अंदर पेन नहीं होता है इतना जितना राधा रानी और उनकी जो स्वपक्ष गोपी को होता है तटस्थ गोपी क्या होती है विपक्षी और 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 और, और तो स्वपक्षी गोपियों से तटस्थ है इक्वल है दोनों से दोनों दोनों की तरफ जो है उनका सम्मान सेम है और विपक्षी गोपी वो ही जो कृष्ण को ले जाते हैं राधा रानी से दूर उनसे विहार करते जैसे चंद्रावली है राधा रानी की कजिन है वो उसकी चचेरी बहन है भानु विष्णानु राजा के छोटे भैया भानु चंद्रभानु है चंद्रभानु की पुत्री है वो चंद्रावली तो ये भी बहुत घुिया है ये बहुत रसिक सब्जेक्ट है जब तक हमारे अच्छी साधना नहीं हो, लेकिन ये पर्याप्त है अभी मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ना मैं क्वालिफाइड हूँ आप शायद होंगे लेकिन मैं नहीं हूँ क्वालिफाइड हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सब वैष्णव को ऑनलाइन भी जिन जो जो उपस्थित है झूम पर आप सबको भी दंडवत प्रणाम

दामोदर प्रिया देवी ने आप सबको दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा कहे ऑनलाइन से हरे कृष्णा